सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंड आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग द मोस्ट हाइप्ड फोन वन प्लस नॉर्ड की। काफ़ी ज़्यादा हाइप में है दोस्तों ये वाला फ़ोन बिकॉज ऑफ द प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। एंड ये इंडिया का पहला फ़ोन है जो कि आपको 25,000 रुपये में मिल रहा है 5G कैपेबिलिटीज़ के साथ। तो इस वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप है मार्केट में एंड काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में क्यूरियस है कि कैसा ये फ़ोन रियल लाइफ में होगा, जितना अच्छा पेपर्स पे है क्या उतना अच्छा है रियल लाइफ में भी परफॉर्म करेगा या नहीं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं ये बॉक्स है उसका। एंड यहाँ पे ऊपर नॉर्ड के कुछ इंप्रेशंस हैं एंड यहाँ पे वन प्लस का जो है लोगो है। एंड अगर हम पीछे की साइड देखें तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है बॉक्स कंटेंट्स के बारे में, मैन्युफैक्चर के बारे में। एंड दोस्तों ये जो मेरा वेरिएंट है वो मैंने ब्लू मार्बल वाला लिया है कलर। एंड जो वेरिएंट है वो है 128GB रोम एंड 8GB रैम वाला। सो मैंने मिडल वाला वेरिएंट लिया है 28,000 रुपये वाला बिकॉज आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स वही बाय करेंगे बिकॉज ऑफ द वैल्यू फॉर मनी, इसलिए मैंने ये वाला परचेज़ किया है। एंड यहाँ पे भी आपको एक वन प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है एंड बीच में आपको एक ब्लू टिंट भी देखने को मिल जाता है थोड़ा सा। सो काफ़ी सही बॉक्स लग रहा है यहाँ पे। और बाकी पीछे जो प्राइसिंग है वो इसमें 28,000 रुपये दी हुई है और इतने का ही मेरे को मिला है अमेज़ॉन के थ्रू, मैंने ख़रीदा था। तो बिना किसी देरी के जल्दी से इसको खोलते हैं। एंड ये वन प्लस नॉर्ड का बॉक्स है एंड जल्दी से हम इसको खोल लेते हैं। और ये देखिए सबसे ऊपर लिखा है इसमें दिस वे नॉर्ड एंड सामने की तरफ आपको सबसे ऊपर डिवाइस ही मिल जाता है यहाँ पे, जो कि काफ़ी लाइट वेट लग रहा है मेरे को एंड काफ़ी स्लिम लग रहा है देखने में। इसको हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं फिलहाल एंड बाकी देखते हैं क्या है। इसके नीचे दोस्तों आपको एक प्लास्टिक का एक केस टाइप देखने को मिल जाता है एंड इसके नीचे आई गेस एक और पेपर का बॉक्स है। यस एंड इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जिसमें आई गेस कुछ पेपर वर्क होगा। और साथ में आपको दोस्तों एक ये TPU केस भी देखने को मिल जाता है वन प्लस नॉर्ड का, देख सकते हैं आप। इसमें इस टाइप का थोड़ा सा इसमें एक फिनिश दिया गया है जो कि थोड़ा सा अलग फिनिश है, मीन्स ये तो बिल्कुल प्योर TPU एंड ये थोड़ा सा मतलब कि रफ़ है। तो इस टाइप से आपको एक डिज़ाइन दिया गया है एंड बिल्कुल ये सिंपल वाला TPU केस है जो आपको हर फोन के साथ आजकल देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आई गेस कुछ पेपर वर्क होगा तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये आपको कुछ वन प्लस नॉर्ड के स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, कुछ क्विक स्टार्ट गाइड, कुछ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन एंड ये एक रेड केबल क्लब का आपको जो है कार्ड भी देखने को मिल जाता है। सो ये चीज़ है एंड मेंबरशिप कार्ड है ये एंड ये आपको सार वैल्यू का भी जो है कार्ड देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है पेपर वर्क में, इनको भी हम साइड में रख देते हैं थोड़ा सा। एंड साथ में दोस्तों आपको एक वेलकम लेटर भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जिसमें कुछ बताया गया है इन्होंने वन प्लस नॉर्ड का एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में अपने। तो ये चीज़ है एंड नीचे अगर हम देखें तो दोस्तों आपको एक केबल मिल जाती है जो कि USB Type-A टू USB Type-C है और टिपिकल रेड कलर की ब्रांडिंग में है जो कि हर वन प्लस फोन के साथ आपको देखने को मिल जाती है। बट अच्छी बात दोस्तों ये चीज़ है कि आपको 30W का एक फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगी कि इन बॉक्स आपको 30W फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है वन प्लस की तरफ से, वो भी इतने अच्छे प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो वाले फ़ोन के साथ। यहाँ पे वो कॉस्ट कटिंग कर सकते थे बट उन लोगों ने नहीं की एंड ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। सामने की तरफ आपको जो है USB Type-A मिल जाता है, यहाँ पे इसका ये वाला प्लग लग जाएगा एंड ऊपर आपको वन प्लस की ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड यहाँ पे आई थिंक सो इसमें लिखा हुआ होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप देख पा रहे हैं, दैट 5W and 6A मीन्स 30W का आपको जो है आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 30W का इन्होंने फास्ट चार्जर देखने को मिला है हमें इस फ़ोन के साथ। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं अब एंड देख लेते हैं हम डिवाइस को। जल्दी से हम इसके ऊपर एक प्लास्टिक हटाते हैं एंड आप क्लियरली देख सकते हो दैट कितना क्लीन फ़ोन लग रहा है ये। एंड पर्सनली मेरे को काफ़ी लाइट वेट लग रहा है, जितना मैंने सोचा था हैवी होगा काफ़ी लाइट वेट है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं है। एंड पीछे की तरफ एक इसके स्टिकर चिपका हुआ है, इसको मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। और इस टाइप से दोस्तों आप देख सकते हो ब्लू मार्बल कलर कितना ज़्यादा क्लीन एंड एलिगेंट लग रहा है पीछे से फ़ोन। एंड सामने की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को फ़ोन। सामने की तरफ आपको डुअल कैमरास भी मिल जाते हैं। सो दोस्तों जल्दी से हम बूट कर लेते हैं इस डिवाइस को और जब तक ये बूट होता है तब तक मैं आपको इसका एक फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। तो दोस्तों सामने की तरफ आपको इसमें 6.44 इंचेस की फुल HD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है।
और बाकी आपको दो कैमरास देखने को मिल जाते हैं। एक आपको देखने को मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो कि है सोनी MX616 जिसका अपर्चर है F2.45 और साथ में आपको इसमें EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है जिसका भी अपर्चर F2.45 ही है और इसमें आपको फील्ड ऑफ व्यू 105 डिग्री का देखने को मिलता है। और बाकी आपको सामने की तरफ स्पीकर देखने को मिल जाते हैं और बाकी और कुछ नहीं है सामने, और एक फुल व्यू डिस्प्ले और नॉच मिल जाती है, बहुत ही छोटा सा चिन है जो कि आप देख सकते हो क्लियरली विजिबल, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और पीछे की तरफ मेरे को ग्लासी बैक आपको देखने को मिल जाती है एंड मेरे को बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि बहुत ज़्यादा क्लीन रखा है वन प्लस ने एंड कुछ भी ज़्यादा कुछ ग्रेडियंट फिनिश या किसी और तरीके का फिनिश नहीं रखा, बहुत ही सिंपल क्लीन फिनिश रखा है और एक ग्लॉसी बैक है दोस्तों, तो काफ़ी आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो अट्रैक्ट करेगी, ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है और साथ में काफ़ी स्लिपरी भी बना रही है फ़ोन को, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और बाकी आपको इसमें पीछे की तरफ बीच में आपको वन प्लस का लोगो देखने को मिल जाता है, नीचे वन प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पे आपको चार कैमरास देखने को मिल जाते हैं। सबसे ऊपर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है जो कि आपको फील्ड ऑफ व्यू देता है 119 डिग्री का और इसका अपर्चर है F2.45। दूसरा आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है जो कि है सोनी MX586 और अच्छी बात दोस्तों ये कि बिल्कुल सेम कैमरा वही है जो वन प्लस 8 में यूज़ हुआ है, और अच्छी बात यह कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हालांकि वन प्लस नॉट की प्राइस काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 8, बट इसमें सेम ही सेंसर दिया है सो अच्छी चीज़ है। और इसका अपर्चर आपको F1.75 देखने को मिल जाता है और इसमें आपको OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और बाकी आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है जिसका अपर्चर F2.45 और चौथा कैमरा जो है वो सिर्फ नाम का कैमरा है, काम का नहीं होने वाला है वो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, और यह है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा जिसका अपर्चर F2.4 पे। तो ये चार कैमराज हैं और बाकी पीछे कुछ नहीं है और डुअल LED फ्लैश है, तो बस ये चीज़ें हैं। बाकी हम साइड्स की बात करें तो दोस्तों इस साइड में आपको खाली वॉल्यूम ब्रॉकर्स देखने को मिलते हैं अप डाउन के और बाकी कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिलता है और इस साइड की बात करें तो हम यहाँ पे आपको अलर्ट साइडर देखने को मिल जाता है जिसके आपके तीन मोड्स हैं, इसमें आपको जो है रिंग का मिलेगा, आपको वाइब्रेट का मिलेगा और साइलेंट का, तो तीन मोड्स हैं। और बाकी ये पावर बटन हो जाता है आपका इस साइड। और नीचे की बात करें तो आपको यहाँ पे सिंगल स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं जो मेन स्पीकर्स हैं, USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो मेन माइक्रोफोन है वो देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। एक बार हम सिम ट्रे खोल के देख लेते हैं तो आपको खाली डुअल सिम देखने को मिलेंगे, एक सिम मैंने इसमें ऑलरेडी लगा रखा है अपना और दूसरी साइड भी आप लगा सकते हो, सो इस टाइप से जो है सिम ट्रे मीन्स खाली डुअल नैनो सिम आप लगा सकते हो। सो ये बूट हो गया है, जल्दी से मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ और फिर सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताता हूँ। सो दोस्तों मैंने फ़ोन को सेटअप कर लिया है, हालांकि मैंने इसमें कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं किया, सिर्फ वॉलपेपर चेंज किया है एंड जो शुरू में गूगल अकाउंट वगैरह ऐड करना होता है और जो भी फिंगरप्रिंट वगैरह लगाना होता है वो सिर्फ किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया, जिससे आपको क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगी जैसे आप फ़ोन को ऑन करते हैं तो आपको कैसे एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे। सो इस टाइप की आपको चीज़ें मिलती हैं। और बाकी मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको थोड़ी सी फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि एक 5G प्रोसेसर है, और साथ में आपको इसमें GPU की बात करें तो एड्रीनो 620 GPU देखने को मिलता है। रैम आपको इसमें तीन वेरियंट्स में देखने को मिल जाती है, 6, 8 और 12 GB जो कि आप अपनी मल्टीटास्किंग के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, और रोम के भी आपको इसमें तीन वेरियंट्स देखने को मिल जाते हैं, 64, 128 और 256 GB के। बैटरी की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको बैटरी 4115 mAh की देखने को मिलती है जिसमें आपको 30W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपके 5G बैंड्स रन हो जाएंगे, आपको डुअल बैंड वाईफाई मिलता है इसके अंदर, ब्लूटूथ 5.1, NFC, GPS और नेविक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो इसका एक ओवरव्यू दे दिया है मैंने आपको स्पेसिफिकेशंस का, और अब हम देख लेते हैं फ़ोन को। तो आप देख सकते हो दैट क्या इसकी होम स्क्रीन इस टाइप से है एंड जो आइकन्स वगैरह हैं वो इसमें सर्कल शेप में बाएँ हैं बाय डिफॉल्ट, एंड ऊपर के टॉगल्स वगैरह भी आप देख सकते हो इस टाइप के आपको टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो यहाँ पे। और ऊपर की आप साइड देख पा रहे होंगे दैट एक अपडेट भी आया हुआ है वन प्लस नॉर्ड का ऑक्सीजन OS का 10.5.7 का जिसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा कुछ टाइम बाद, सो ये चीज़ है। एंड जल्दी से हम चलते हैं मेन्यू के अंदर, तो इस टाइप के आपको कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स भी देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हो जैसे अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल पे, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स वगैरह, सो कुछ यूजफुल ऐप्स भी आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाते हैं, हालांकि मैं इनको ब्लॉटवेयर नहीं बोलूँगा बट हाँ डेफिनेटली आपको कुछ ऐप्स मिल रहे हैं जो कि आई थिंक सो एक रेलिवेंट मूव है वन प्लस का, बिकॉज कोई भी जब फ़ोन सेटअप करता है अपना तो इन सब ऐप्स को मस्ट अपने फ़ोन में इंस्टॉल करता ही है, सो वन प्लस ने पहले से ही दे दिए हैं, सो ये भी एक आपका अच्छी चीज़ बोल सकते हैं इसको, और ये कोई ब्लॉटवेयर नहीं बोलूँगा मैं इनको। बाकी दोस्तों जल्दी से चलते हैं इसके अबाउट द फोन सेक्शन में एंड देखते हैं कि इसके सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या मिला हुआ है। सो अगर हम जाते हैं अबाउट द फोन में तो इसमें आपको ओवरव्यू मिला हुआ है थोड़ा बहुत प्रोसेसर, स्टोरेज, कैमरा और स्क्रीन वगैरह का ऊपर। और एंड्रॉयड विजन की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड विजन 10 देखने को मिलता है जो कि आपको जल्दी 11 भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, और इसके अंदर सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको जुलाई की मिली हुई है,
जो कि आई थिंक सो काफ़ी पुरानी है, और डेफिनेटली अगर मैं इस फ़ोन को अपडेट करूँगा अभी जो ऊपर वाली अपडेट है तो डेफिनेटली ये चेंज हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों हम ऑक्सीजन ओएस की, तो ऑक्सीजन ओएस इसमें आपको 10.5.4 देखने को मिल रहा है इस टाइम पे, जो कि ऊपर अपडेट आई हुई है इसकी। सो या ऑक्सीजन ओएस 11 भी इसमें बहुत जल्दी आने वाला है सभी फ़ोन्स में, हालांकि अभी उसका बीटा वर्जन चल रहा है 1+8 और 8 प्रो के लिए। सो जल्दी वो भी रोल आउट हो जाएगा इस सब में। सो ये चीज़ तो रही सॉफ्टवेयर की, बाकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा स्टोरेज के बारे में। सो स्टोरेज जो है इसमें आपको जो है 19% यूज है, प्री ऑक्यूपाइड है पहले से, मैंने कुछ भी इसमें छेड़ा नहीं है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है, बस जो फ्री प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स थे वही आए हैं इसमें। सो मैंने 128 GB वाला मेरा फ़ोन है, सो करीब करीब इसमें 23 या 24 GB इसकी यूज है। सो यानी अराउंड 103 या 104 GB के आसपास आपको फ्री मिल रही है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपकी 23 या 24 GB जो है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होगी डिवाइस के द्वारा। बाकी हम दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा सा और फ़ोन के फीचर्स क्या क्या हैं इसमें। तो इसमें अच्छी बात ये ऑक्सीजन ओएस की, इसमें आपको कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप देख रहे हो जैसे कस्टमाइजेशन में हम गए तो यहाँ पे आपको थीम्स के 3 डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपका एक डार्क थीम है, जैसे आप रात में कोई फ़ोन चलाते हो, या अगर आपको डार्क थीम पसंद है तो ये आपका फ़ोन पूरा डार्क थीम में हो जाता है यहाँ पे। और बाकी इसमें एक वाइब्रेंट टिंट्स का भी थीम है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। सो ये भी आपका एक थीम देखने को मिल जाता है आपको। सो ये दो थीम है आपके, और बट इसको हम लाइट पे रखते हैं फिलहाल। एंड बाकी आपको इसमें वॉलपेपर्स, क्लॉक स्टाइल वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, जो आपकी लॉक स्क्रीन पे आते हैं क्लॉक स्टाइल वगैरह, उनको भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। सो कस्टमाइज आप काफ़ी कर सकते हो अपने फ़ोन को। सो ये मेरे को काफ़ी चीज़ पसंद है, जैसे फिंगरप्रिंट का भी आप चेंज कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए टच करने पर, तो ये चीज़ भी है। एंड बाकी आप नीचे बटन्स के जो चीज़ें हैं वो भी आप चेंज कर सकते हो, आइकन्स भी चेंज कर सकते हो आप इनका, जैसे स्क्वायर में अभी सर्कल में थे सारे तो स्क्वायर में, या फिर इस टाइप में आप कर सकते हो। एंड साथ में आप जो आइकन्स का पैक या फॉन्ट वगैरह है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। सो ये अच्छी चीज़ है, कस्टमाइज़ आप काफ़ी कर सकते हो अपने वन प्लस के फ़ोन को। और बाकी अगर हम नीचे चलें थोड़ा सा डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में दोस्तों हम एडवांस पे जाते हैं, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे ऊपर आपको स्क्रीन कैलिब्रेशन का मिल रहा है, इसमें आपको 3 मिल जाते हैं, जैसे अगर आपको विविड अभी हो रहा है ये पसंद नहीं है, थोड़ा सा आपको नेचुरल इसका कैलिब्रेशन पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो, या एडवांस पे कर सकते हो। इसमें आप मैनुअली चेंज कर सकते हो एडवांस में जाके कि आपको कूल रखना है या फिर वार्म रखना है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो, मैं विविड पे रखता हूँ उसको। और बाकी इसमें आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप 90 Hz से 60 Hz पे रख सकते हो, हालांकि मुझे डेफिनेटली श्योर हूँ मैं कोई भी 60 Hz पे नहीं रखने वाला, बिकॉज इतना स्मूथ है 90 Hz कि सब 90 Hz पे रखेंगे। बट जिस दिन आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो और आपको ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए तो आप 60 Hz पे भी कर सकते हो। एंड बाकी आपको अगर ये पिल चिप वाली जो ऊपर शेप है वो पसंद नहीं आ रही कैमरा की, तो आप इसको हाइड कर सकते हो इस टाइप से, हालांकि ये भी कोई नहीं करने वाला है बिकॉज सबको शो ऑफ करना है दैट पिल चिप वाला हमारे पास वन प्लस नॉर्ड है, और ये काफ़ी आपकी स्पेस भी ख़त्म कर रहे हैं ऊपर की, आपकी फुल स्क्रीन डिस्प्ले है उसको भी हाइड कर रहा है, एंड ये कुछ पिक्सल 2 या 3 जैसा लग रहा है मेरे को। सो या इसको आप ऐसे ही रखिएगा। एंड बाकी इसमें आपको डिस्प्ले के अंदर काफ़ी सारे मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे नाइट मोड हो गया, रीडिंग मोड हो गया। सो नाइट मोड में आप जो है थोड़ा सा येलोइश बना देगा स्क्रीन को, जिससे आपकी ज़्यादा आइज़ को स्ट्रेन ना हो, सो ये चीज़ है। एंड रीडिंग मोड वगैरह में भी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट वाले ऑप्शन होंगे डेफिनेटली, या सो ये आपकी पूरे फ़ोन की स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट बना देगा, जिससे आप जो है ईजिली रीडिंग कर सकते हो रात वगैरह में। सो ये सब चीज़ें हैं डिस्प्ले के अंदर। और बाकी हम दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा सिक्योरिटी वगैरह में, तो सिक्योरिटी के अंदर आपको स्क्रीन लॉक तो पुराना है वही, और 3 आपको इसमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और स्मार्ट लॉक। फिंगरप्रिंट हम देख लेते हैं, मैंने इसमें ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है एक, सो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ दैट काफ़ी फास्ट काम करता है, आप देख सकते हो क्लियरली। हालांकि इसमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ पास से, तो इसमें एक लाइट जलेगी, देखिए वाइट रंग की लाइट जलती है जब भी मैं करता हूँ, तो इसको ऑप्टिकल कहते हैं, बिकॉज ये आपकी लाइट से जो फेंक रहा है लाइट उससे आपका फिंगरप्रिंट लेता है। बट डेफिनेटली स्पीड काफ़ी अच्छी है एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और काफ़ी फास्ट काम कर रहा है। बाकी फेस अनलॉक की बात करें तो फेस वाला भी है इसमें फिंगरप्रिंट कैमरा से, और वो भी डेफिनेटली मैंने सेटअप नहीं किया बट काफ़ी फास्ट होगा। स्मार्ट अनलॉक को देख लेते हैं हम जल्दी से ये क्या है। तो इसके अंदर आपके 3 मोड्स हैं अलग अलग, कि आप लोकेशन वगैरह ऐड कर सकते हो या फिर डिवाइस वगैरह ऐड कर सकते हो, कि मेरे इस ब्लूटूथ डिवाइस से अगर ये कनेक्टेड होगा तब अनलॉक रहे, या फिर इस जगह पे होगा तो लॉक या अनलॉक रहे, या फिर बॉडी डिटेक्शन, मतलब कि जब भी आपकी बॉडी जब हिलना बंद कर दे या फिर हिलना शुरू कर दे तो उस हिसाब से ये स्मार्टली डिटेक्ट कर लेगा कि आपके फ़ोन को लॉक होना चाहिए अनलॉक। बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी क्लाउड सर्विस के बारे में, तो वन प्लस इस बार अपनी खुद की क्लाउड सर्विस दे रहा है इस फ़ोन के अंदर, और आई डोंट नो कि बाकी फ़ोन्स के अंदर भी दे रहा है नहीं, बट इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आई है। और इसके अंदर आप कुछ भी, जैसे बिल्कुल सेम है गूगल ड्राइव और
आई क्लाउड की तरह कि आप जो भी डाटा वगैरह अपना रखेंगे फ़ोन में तो उस पर आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। एंड फिर आप अगर फ़ोन वगैरह शिफ्ट करेंगे तो अपनी फोटोज़ नोट्स जो भी इसमें दे रखा है सो उनको ईजिली इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि इस फ़ोन के साथ जैसे मैंने आपको अनबॉक्सिंग के टाइम पर बताया था एक रेड केबल क्लब का मेरे को कार्ड मिला है एटीएम जैसा, सो उसके एडवांटेजेस भी इसमें आपको फ़ोन के साथ देखने को मिलते हैं। सो मैं आपको बता देता हूँ दैट इसमें आपको कुछ बेनिफिट्स हैं जैसे कि आपको मंथली रिवॉर्ड्स वगैरह बोल रहा है ये, एंड 6 मंथ की एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी आपको डिवाइस के ऊपर, ये अच्छी चीज़ है। 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा बैटरी रिप्लेसमेंट पे, सो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और आपको अपग्रेड ऑफर मिलेंगे, मतलब कि अगर आप कोई वन प्लस का फ़ोन लेते हैं एक्सचेंज में इसके फ्यूचर में तो उसमें भी आपको अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। एंड 50 GB की क्लाउड स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है, सो ये मेरे को सबसे अच्छा लगा कि 50 GB की आपको फ्री क्लाउड स्टोरेज देखने को मिल रही है जिससे आप अपना सारा डेटा जो है अपलोड कर सकते हैं एंड दूसरे डिवाइस में आप शिफ्ट कर सकते हैं जब भी आप स्विच करेंगे। एंड बाकी दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा सा बटन्स एंड जेस्चर्स में, तो इसके अंदर आपको जो नेविगेशन बार एंड जेस्चर्स में चलते हैं तो आप देख रहे होंगे मैं काफ़ी देर से ये आईफोन वाला सिस्टम चला रहा हूँ अभी नेविगेशन का, जो कि शायद कुछ नए यूज़र्स को पसंद नहीं आएगा बिकॉज शायद उन लोगों ने कभी यूज़ नहीं किया हुआ है वाला या फिर वो कंफर्टेबल नहीं होंगे इससे। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है आपके लिए मैं बता देता हूँ, मेरे को रेलिवेंट लगा तो इसलिए बता रहा हूँ। दैट इज़ में आप यहाँ पे बैक होम या रिसेंट का जो है नीचे बटन ऐड कर सकते हैं ट्रेडिशनल वाला, जिससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी जो आपको पहले वन प्लस 5T में प्री इंस्टॉल आता था। सो ये भी आप कर सकते हो और आप आसानी से फ़ोन को नेविगेट कर सकते हो। सो इस टाइप की चीज़ें हैं नेविगेशन की वाली। और बाकी हम दोस्तों आप कैमराज को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैमराज इसके किस टाइप से काम करते हैं रियल टाइम में। एंड जैसे हम कैमरा में जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे मोड्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे फोटो मोड हो गया, पोर्ट्रेट मोड हो गया, नाइट स्केप हो गया, प्रो मोड हो गया, एंड बाकी के भी काफ़ी सारे मोड्स हैं यहाँ पे, सो स्लो मोशन, पैनोरामा, टाइम लैप्स वगैरह। सो अच्छी बात है कि काफ़ी सारे मोड्स दे रखे हैं यहाँ पे। एंड मैं जल्दी से एक दो फोटो लेता हूँ। सो या ये नॉर्मल वाले कैमरा से ले रहा हूँ मैं, मेन जो 48 MP का सेंसर है। सो शटर स्पीड मेरे को ठीक ठाक लग रही है इसकी। एंड बाकी हम अल्ट्रा वाइड से भी लेते हैं एक दो। सो या शटर स्पीड अच्छी है इसकी। और ये हम 2x वाले से लेते हैं जूम लेंस से। सो क्लैरिटी भी आ रही है इसमें। तो ये तो रहे तीनों कैमरा जैसे हम ले लिए, अल्ट्रा वाइड, मेन और जूम वाला। और मैं सुपर मैक्रो भी आपको दिखा देता हूँ, हालांकि बहुत थ्रैश है मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। सो आप ऊपर वाला ही करेंगे तो सुपर मैक्रो लिखा आ जाएगा यहाँ पे, और आपको पास लाना पड़ेगा कोई भी ऑब्जेक्ट। सो जैसे मेरा एसी का रिमोट है सो इसको मैं पास लाता हूँ। सो यार डेफिनेटली ये फोकस बड़ी देर में करता है और कर भी रहा है तो बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा मतलब क्वालिटी इसकी ख़राब आ रही है, इससे अच्छे कि आप जो मेन कैमरा से ही पास आके ले लो। सो आई डोंट थिंक ये किसी काम का है। एंड एक दो चीज़ मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ दैट इसमें बाय डिफॉल्ट ये 12 MP पे सेट है, बट अगर आप चाहते हो तो आप 48 MP की भी फोटोज़ ले सकते हो यहाँ पे जाके, तो ये 48 MP पे हो जाएगा जिससे आप ज़्यादा जो है डिटेल्स कैप्चर कर सकते हो। बट वन प्लस रिकमेंड करता है कि आप 12 MP पे रखिए जिससे एक बेटर डायनेमिक रेंज आ जाती है। तो ये नोटिफाई भी आपको कर देता है एक नोट के द्वारा कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। एंड बाकी आपको थोड़ा सा मैं प्रो मोड दिखा देता हूँ बिकॉज काफ़ी लोग काफ़ी क्यूरियस रहते हैं प्रो मोड में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए। सो इसमें आप ISO वगैरह सेट कर सकते हैं, WB वगैरह, शटर स्पीड वगैरह, और बाकी सब चीज़ें भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड एक सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी दैट इसमें आप जो रॉ फोटोज़ ले सकते हो, यहाँ पे आप ऊपर ऑप्शन है कि आप रॉ फोटोज़ ले सकते हो एंड GPG भी 48 MP में ले सकते हो, बिकॉज काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं रॉ फोटोज़ लेना, तो आप वो भी इसमें ले सकते हैं। और बाकी हम सेटिंग्स पर थोड़ा सा चलते हैं, तो इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे HDR का हो गया, HDR हम ऑफ कर देते हैं। एंड वीडियो के रेजोल्यूशन हम देख लेते हैं थोड़ा सा, तो आपके जो रियर कैमरा से मैक्सिमम रेजोल्यूशन आप ले सकते हैं वो है 4K 30 FPS, एंड जो फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम वीडियो ले सकते हैं वो है 4K 60 FPS। सो ये क्वाइट सरप्राइजिंग है कि आप पीछे वाले कैमरा से जो है कम क्वालिटी में ले सकते हो वीडियो और फ्रंट कैमरा से ज़्यादा क्वालिटी में ले सकते हो। सो ये मेरे को थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है। एंड बाकी आपके ट्राईपोड लॉन्ग एक्सपोजर वाला मोड भी है नाइट स्केप के लिए, से आप ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर कर सकते हो ट्राईपोड पे, शटर स्पीड बढ़ा देगा उससे थोड़ी सी। स्मार्ट कंटेंट डिटेक्शन का भी ऑप्शन है इसमें जो AI वाला है, जैसे आपको देख के बता देगा अपने आप कैमरा की क्या चीज़ है एंड उस हिसाब से अपने आपको ये मॉडिफाई कर लेगा अपनी सेटिंग्स को। सो या इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो ये कैमरास की बात रही दोस्तों। बाकी दोस्तों थोड़ा सा रेफरेंस के लिए मैं इसके बैक और फ्रंट कैमरा के कैमरा सैंपल्स अटैच कर देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस टाइप की इसकी कैमरा क्वालिटी है यहाँ पे। सो दोस्तों मैं एक हिल स्टेशन पे गया था एंड वहाँ पे मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस ली थी, एंड आप क्लियरली देख सकते हो दैट डिसेंट इनफ क्वालिटी आ रही है एंड डिटेल्स भी ठीक ठाक आ रही हैं इसमें। ये सेम फोटो मैंने इसके प्राइमरी लेंस से भी ली थी एंड इसमें भी आपको क्वालिटी जो है ठीक ठाक दिख रही है यहाँ पे।
बाकी दोस्तों मैंने कुछ और फोटो ली थी इसके आउटडोर कंडीशंस में, ये इसके वाइड एंगल लेंस से ली थी मैंने, एंड जो सेम फोटो है वो मैंने इसके प्राइमरी लेंस से ली थी, एंड जो इसका जूम लेंस है डेप्थ वाला उससे भी ली थी। सो आप देख सकते हो पॉज करके कि क्या कंपेरिजन है इनमें। बाकी दोस्तों मैंने कुछ शॉट्स जो है इंडोर कंडीशंस में भी लिए हैं, आप देख सकते हो दैट ये ब्लू 80 माइक की है, ठीक ठाक आ रही है फोटो, थोड़ी सी नॉइस है इंडोर कंडीशंस में, बट या ये मैंने आईफोन के लिए जैसे, बट फिर भी ठीक ठाक क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, कोई इतनी ज़्यादा ख़राब क्वालिटी नहीं है इंडोर कंडीशंस में इसके कैमरा की। बाकी दोस्तों मैंने नाइट में भी ली एक दो फोटोज़, ये मैंने अपने टेरेस से ली थी, फोटो मोड में ली थी, वो नाइटस्केप वगैरह में नहीं ली थी, एंड सेम फोटो फिर मैं नाइटस्केप में ली, तो आप डिफरेंस भी देख सकते हो दोनों को कंपेयर करके पॉज करके कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। काफ़ी नॉइस कम कर रहा है नाइटस्केप मोड, एंड ब्राइट भी काफ़ी कर रहा है और लाइटन भी ज़्यादा कर रहा है फोटो को, तो मेरे को अच्छा लगा इसका नाइट मोड। एंड बाकी फ्रंट कैमरा से मैंने दो फोटोज़ लिए हैं, ये इसकी प्राइमरी फ्रंट कैमरा से है जो कि 32 मेगापिक्सल का है, एंड ये वाइड एंगल लेंस है, तो फ्रंट कैमरा की भी आप क्वालिटी देख सकते हो, एंड ये फोटोज़ बिल्कुल भी मेरे नहीं है, सो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी मिसइंटरप्रेट मत कीजिएगा। सो दोस्तों अनबॉक्सिंग के लिए बस इतना ही, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, एंड मैं डेफिनेटली इसको कंसिडर करूँगा अपने रिव्यू में। और बाकी अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो या वैल्यूबल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।